नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 1/11। जिस तरीके से अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम पिछले 17 अगस्त से चलाया जा रहा है और इसमें कई सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया गया है, लेकिन यह अतिक्रमण अभियान तब चर्चा में का विषय बन गया जब कल यानी कि बुधवार को पूरा प्रशासनिक अमला स्टेशन पहुंचा और स्टेशन पर बने दूध मंडी को तोड़ा गया। और इस बीच एक जो कृष्ण भगवान का मंदिर था उसे भी तोड़ा गया है और उसको लेकर भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में लिख भी रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर जब हमने सवाल शक्ति यादव जो कि राजद के विधायक और प्रवक्ता भी हैं उनसे किया कि क्या वाकई में मंदिर तो तोड़ा गया है, उसके बारे में राजद क्या कुछ करेगी और वो जो दूध मंडी है आखिर वो कैसे बना था, क्या कुछ हुआ था उस समय, इन सारी बातों को शक्ति यादव ने हमसे बताया। क्या कुछ कहा इस दौरान शक्ति यादव ने, जरा वो सुन लीजिए। पटना नगर निगम के द्वारा ही नहीं बल्कि जिला प्रशासन के द्वारा दूध विक्रेता संघ के लिए आवंटित जो भवन था, जगह जो सरकार ने उपलब्ध कराई थी और अपने राशि से उस भवन का निर्माण कराया था और सरकारी भवन था, पर अतिक्रमण के नाम पर कल उसे अनुमंडल पदाधिकारी स्वयं आनंद किशोर भी गए थे, जिला पदाधिकारी भी गए थे, इन लोगों ने उसे तोड़ दिया। तो जब तक कोई सरकारी भवन का वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होता तब तक आप उसको बेघर नहीं कर सकते। बुजुर्गों को पीटा गया, पनीर दूध सबको उल्टा गया, घी को दबाए गए बुलडोजरों से सारे टीन के टीन घी। तो यह लालू प्रसाद जी ने 1991 में यह दूध विक्रेता जो पूरे लखीसराय से लेकर के आरा और गया से आने वाली जो ट्रेनें थीं वो ट्रेन में लोग भर करके आते थे, वहाँ पर बड़ी दिक्कतें होती थी गरीबों को, उसको ख्याल करके उन्होंने किया। उसमें अरविंद प्रसाद यहाँ डीएम हुआ करते थे पटना के, और त्रिपुरारी शरण जो अभी आप देखते हैं वो डीडीसी हुआ करते थे और लालू जी मुख्यमंत्री थे 91 में, हम लोग को पूरी याद है क्योंकि उस उद्घाटन में हम थे, ऑलरेडी मौजूद थे, इसलिए मुझे पूरी तरह से वो चीज़ें याद है। उसको कल आपने तोड़ दिया, तो तोड़ दिया तो वैकल्पिक व्यवस्था की, हमने कहा कहाँ आदेश है, सरकार बैकफुट पर थी इसलिए कि आदेश किसी का था नहीं, और अतिक्रमण हो नहीं सकता चूँकि सरकारी धन उसमें लगा हुआ है तो अतिक्रमण भी नहीं। तो हमने कहा किसके आदेश से हुआ, आप हमको दिखा दीजिए, मैं चल देता हूँ। तो शासन ने दिखाना मुनासिब नहीं समझा। अल्टीमेटली 3 बजे जिला प्रशासन के लोगों ने एक लिखित दिया कि हम इसी अगल बगल में जो अतिक्रमण के दौरान जो बना हुआ दूध विक्रेता जो था वो भी टूट गया है तो उसको हम पुनर्स्थापित करेंगे और शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन के बाद नेता प्रतिपक्ष ने उस आंदोलन को समाप्त किया। हम लोग 4-5 बजे लोग लौट करके लोग आए, क्योंकि हम लोग सरकारी संपत्ति संरक्षण के लिए वहाँ गए थे। सबसे बड़ा सवाल ये पहली घटना है, लोग सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग के लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग सरकारी संपत्ति के संरक्षण में वहाँ थे कि सरकार ने जो पैसे लगा करके जो आकार यहाँ निर्मित किया था उसको आप कैसे आप तोड़ दिए, अब बिना नोटिस बिना चिट्ठी बिना कोई संदेशा। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान कृष्ण की 23 तारीख को जयंती है, जन्माष्टमी है, और हिंदू भावनाओं पर ठेस पहुंचाया गया, मंदिर को भी तोड़ा गया, तो हिंदुत्व का छद्म हिंदुवाद बनाम सत हिंदुवाद की भी लड़ाई चलेगी। ये छद्म हिंदुवाद है ना कि एक तरफ आप पूजा करते हो, कहते हो, आवरण रखते हो हिंदुत्व का, और आचरण तो आपका हिंदुत्व का नहीं है। आवरण भले ही हिंदुत्व का है, हम वो शब्द नहीं कहना चाहते, पर आवरण जरूर इनका हिंदुत्व का है, आचरण नहीं। तो आचरण और आवरण में अगर समरसता नहीं हो तो स्वाभाविक तौर पर आपके जो छद्म विचार हैं वो खुल जाते हैं। 23 तारीख का है, सबको पता है भगवान कृष्ण की जयंती है, पूरे विश्व में भगवान कृष्ण पूजे जाते हैं, एंग्लो इंडियन भी उनको मानते हैं, सारे इस्कॉन
और वो सबके किसी जाति के भगवान नहीं है। ब्राह्मण किसी जाति में पूजा थोड़ी कराता, सब जगह कराता, उसे भगवान सबके होते हैं, किसी जाति के भगवान तो होते नहीं है। तो हिंदू धर्म पर यह हमला है। आप उनको बांके बिहारी जी की प्रतिमा तोड़ कर करके आप हिंदुत्व का नारा नहीं लगा सकते। तो आपके हम असली चेहरा को खोलेंगे ना, इसको और हम आगे ले जाएंगे, इनके हिंदू विनाशकारी चेहरे को भी इनको आगे हम ले जाएंगे कि न ये हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं, न ये सिख के हैं, न ये ईसाई के हैं। ये तो हैवानियत भरी निगाहों से दूसरों को देखकर अपने हित में काम करते हैं, तो इनकी हैवानियत का तो पर्दाफाश होगा ना। क्या तेजस्वी यादव के अचानक एक बार फिर से आने और इतना एक्टिव होने पर जोश राजद में भर गया? देखिए, कभी कभी मुझे हंसी आती है। राष्ट्रीय जनता दल किसी एक व्यक्ति की पार्टी है क्या? उसका नेतृत्वकर्ता व्यक्ति हो सकता, लेकिन हमारे जितने एमएलए हैं, चाहे वो सदन के अंदर या सदन के बाहर, हम तो एमएलए भी हैं, पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, हम दो रोल अदा करते हैं। अब बताइए कि कौन मेरा पार्टी का वर्कर या फिर एमएलए जो अपना एक्टिव रोल नहीं कर रहा है? सवाल है कि हनीमून पीरियड था देश में, जनादेश उनको प्राप्त हुआ था, तो हम त्वरित प्रतिक्रिया से बचना चाहते थे। उनको मौका दीजिए, हमने मौका दिया तो क्या हुआ? एज ए यूनियन होम मिनिस्टर के हैसियत से चिदंबरम साहब के समय में अमित शाह जेल गए अपनी कारगुजारियों के चलते, पर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके जिस तरह के न्यायिक निर्णय लिए गए रिटायरमेंट के दो दिन पहले, अब फिर चिदंबरम साहब को जेल भेजा गया, तो इससे बड़ा पॉलिटिकल बैंडिटा का और कोई एग्जाम्पल देश में नहीं हो सकता। और ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए आत्मचिंतन का वक्त है। अगर आने वाला कल कोई जो आया है सो जाएगा, कोई रहने के लिए नहीं आया है। ये सरकार भले ही लग रहा कि अजय है, इनका भी अंत है। अभी जो इनके अंदर इस पानी में जो वेलोसिटी देख रहे हैं, धीरे धीरे बंगाल की खाड़ियाँ मिलते मिलते इनकी धाराएं मंद हो जाएगी, वहीं से एक नए धारा का समुद्र में विलीन होंगे ना, तो उनकी लहरों में ये समा जाएंगे। अगर आने वाला कमिंग कोई गवर्नमेंट अगर फिर अगर यही काम करेगा तो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।